Hello students, class 7th English. Now I am going to explain you lesson 4. So please all the students come to the lesson 4. The turning point. Lesson 4 is turning point. Here is some pictures. What is your idea to having fun with friends? कौन सी ऐसी घटना है जो आपको करने के बाद दोस्तों के साथ करने के बाद मनाने के बाद आपको मजा आता है. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टेक द एक्टिविटीज दैट रियली फन फॉर यू डिस्कस इन क्लास. जो एक्टिविटीज करने के बाद आपको मजा आता होगा अपने दोस्तों के साथ उस पर टिक लगाइए और जिस पे मजा नहीं आता है उसको क्रॉस लगाइए. ओके, कम टू द पॉइंट. टू मिस्चीवियस बॉयज ऑलवेज इंडल्ज इन ट्रेवलिंग others and take pride in the fact that often get away with their pranks but an incident changes their entire outlook. Let us read fun and find out more. हम इसके बारे में पढ़ते हैं. दो mischievous मतलब बदमाश या जिसके बिहेवियर में naughtiness होता है. mischievous जो obedient नहीं होता है. boys always indulge in troubling others. हमेशा उन दोनों को क्या मजा आता था दूसरों को किसी विपत्ति में डालने के बाद किसी दुर्घटना में डालने के बाद उनको बहुत मजा आता था और उसी में उनको वो खुद को प्राइड फील करते थे. प्राइड इन द फैक्ट और वो घटना हो जाने के बाद वो हंसते थे या खुद को प्राइड फील करते थे कि हम देखो दूसरों को कैसे परेशान कर सकते हैं या हम दूसरों को इस तरीके से परेशान करते हैं. स्वपन एंड दीप रन डाउन द स्टेयर्स नीचे आ गए. द क्लॉक हैड स्ट्रक 4 चार बज रहे थे. इट वॉज टाइम टू प्ले ये खेलने की टाइम है. टू रन अराउंड द लॉयटर इन द पार्क पार्क के चारों तरफ दौड़ने भागने की टाइम है. विथ फ्रेंड्स टिल 6 इन द इवनिंग यूजुअली जब तक 6 बजे तक हमें खेलने कूदने का घूमने फिरने का टाइम है. यूजुअली ए गेम ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन वॉज देयर फेवरेट पास टाइम वैसे तो वो हमेशा क्रिकेट या बैडमिंटन ही खेलते हैं. एंड ऑफ कोर्स द फोर मोस्ट वर्स ट्रैवलिंग अदर्स फॉर फन और मजे करने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं. द नेबरहुड वर्स ऑफन अबज विथ टेल्स ऑफ देयर मिस्चेवियस एस्केपेडस नेबरहुड जो आड़ोस पड़ोस थे वो बहुत परेशान थे उनके इस मिस्चेवियस बिहेवियर से. About a month ago, एक महीने पहले Deep broke some flower pots in next page in Mrs. Mehta's garden when they were away during the weekend. जो एक हफ्ते के लिए वो बाहर घूमने गए थे Mrs. Mehta, तब Deep ने क्या किया Mrs. Mehta's की garden के कुछ flower pots को तोड़ दिए थे. He also pushed and kicked down the freshly painted pots. जो कुछ pots को उन्होंने freshly paint किया था उसको भी तोड़ दिए थे उन्होंने. लाइंड अप द स्टेयर्स नियर हर फ्रंट डोर उन्होंने कुछ लाइन खींच दिए थे. वाइल्ड स्वपन जस्ट क्लैप्ड एंड स्माइल्ड एज दो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट और क्लैपिंग कर रहे थे. दीप ऐसे हरकतें कर रहे थे और स्वपन ये देख के बहुत ताली बजा रहे थे मतलब उनको ऐसा लग रहा था दीप बहुत अच्छा कुछ काम कर रहा है. व्हेन मिसेस मेहता रिटर्न्ड जब वापस आए सी लेट आउट अ क्राई वो रोने लग गई. ओह माय गॉड लुक एट माय प्लांट्स आई हैव बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ देम मैं तो इनके बहुत अच्छे से ख्याल रखता था. दे वर अबाउट टू फ्लावर्स वो फूल बस आने ही वाले थे बट नाउ द पॉट्स आर ब्रोकन एंड द प्लांट्स हैव ड्राइड अप और सारे पौधे सूख गए थे. इट्स अ पिटी सी मूंड बट द नेक्स्ट मोमेंट शी सेड एंग्रीली आई विल नॉट स्पेयर द वन हु हैज डन इट आई कैन वेरी वेल से फॉर श्योर हु डिड दिस और मुझे पता है ये किसने करा है. नो मैटर हाउ मच शी ड्रम्बल और बहुत घुर्राने लगी चिल्लाने लगी नथिंग केम आउट ऑफ इट और मुझे पता है इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लड़के दोनों बदमाश हैं. स्वपन एंड दीप डिस्प्लेड कंप्लीट इग्नोरेंस उनको जैसे कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल इग्नोर कर गए. अबाउट द मैटर When she confronted their parents, जैसे वो उनके पिता माता पिता के ऊपर confronted मतलब बिल्कुल धावा बोलना मम्मी पापा के पास सामने आए उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए the boys were summoned to clarify मतलब चुपचाप मान लिया हाँ हमने करा मतलब उनको ये
सारे चीज करने के बाद बहुत मजा आता था और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट डे. थैंक यू.